Assalamu alaikum. My name is Sayyed Asana and I have with my group members Samra Saeed and Kiran Bansal. We are the students of MEF final year student from Karachi University. And this video is instructed by Sir Zishan Atik. And our topic is linear regression basics. In this video, we are going to discuss linear regression basics concepts, including simple linear regression, assumptions of linear regressions, and coefficient of interpretations regressions. So now let's start. What is the regression and what is the main purpose of regression? Regression basically two variables ke beech mein relationship ko show karta hai. Unmein se ek variable hamara dependent variable kehlata hai aur dusra variable hamara independent variable kehlata hai. तो वो दोनों के रिजल्ट्स को शो करके दिखाता है कि दोनों वेरिएबल्स का आपस में कोरिलेशन क्या है और दोनों का रिजल्ट एक दूसरे पे इम्पेक्ट करके किस तरह से आता है. और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेटअप में हम रिग्रेशन को रन किस तरह करेंगे और उसके रिजल्ट किस तरह से आएंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हियर इज सम डायग्राम टू शो दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किस किस तरह से हो सकते हैं. तो हम अपनी वीडियो को स्टेटअप पर आपको रिग्रेशन रन करके बताते हैं कि किस तरह से इसके रिजल्ट्स इंपैक्ट होते हैं. बस हो गया. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज समरा सईद. आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएससीएफ फाइनल ईयर. सो हियर आई एम प्रेजेंटिंग माय पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स in simple linear model. So first of all, we import file Excel spreadsheet browser. Then we have these files, lecture 3 data file. We import it. Open, import first row as variables. Okay, so the data is here in corner side. We can see data also in data editor file. So now move to the regression analysis. In command, write reg for regression space. Mortality rate hamara dependent variable hai and GDPG hamara independent variable hai. Inke darmiyan humne regression analysis kar diya hai. Enter karke. So the output is here. Mortality rate जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जीडीपीजी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इट मींस अगर हमारे पास कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि हमारे पास जो है वो y के अंदर कितना चेंज आएगा x के 1 यूनिट के चेंज होने से. इट मींस अगर हमारे पास मोर्टैलिटी रेट जो है वो 5.055979 यूनिट से बढ़ रहा है, इट मींस जीडीपीजी जो है वो 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है. The other variable is constant. So now move to the p-value. P-value हमारे पास जो है वो हमें chances of errors बताती है कि अगर किसी भी variable में chances of errors ज़्यादा होंगे, it means वो 0.05 value से ज़्यादा है. 0.05 value हमें जो है वो level of significance बताता है. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जी डी पी जी की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी है हमारे पास 0.059. इट मींस इट शोइंग इनसिग्निफिकेंस. द थर्ड थिंग इज आर स्क्वायर. आर स्क्वायर जो है वो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो है वो वाई के अंदर कितना चेंज है टोटल चेंज एक्स के चेंज होने से. सो इट शुड बी मोर क्लोज टू 1, बट ये जो है हमारे पास 0.1844 है. It is not okay. Assalamu alaikum. Myself is Kiran Mansapalli. Today I'm going to discuss about assumptions of linear regression. There are different assumptions. First one, I'm going to discuss that is normality collinearity. Multicollinearity means your independent variable should not be highly correlated. Multicollinearity identify करने के लिए सबसे पहले हम statistics में जाएंगे, linear models and related में जाएंगे, फिर then regression diagnostic, then specification test में जाएंगे. यहाँ आप बहुत सारे इस box में आप
ऑप्शंस देखे होंगे, इन ऑप्शंस में से हमें वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर को सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ ओके पे आके क्लिक करना है। नॉर्मली हम 5% और 10% सिग्निफिकेंस लेवल लेते हैं। यहाँ मैंने 5% सिलेक्ट किया है मल्टीकोलरी टेस्ट करने के लिए। VIF की जो वैल्यू यहाँ पे आई है वो लेस देन 5% है। डेट मीन्स कि देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। अगर VIF की वैल्यू मोर देन 5% होती तो डेट मीन्स कि यहाँ मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो हमने हमने रिसीव की वैल्यू वो लेस देन 5% है। डेट मीन्स कि यहाँ पर मल्टीकोलिनियरिटी की सेंस नहीं हो रही। नेक्स्ट ग्राफिक्स पे जाएंगे, टू वे ग्राफ स्केटर 980 से क्लिक करेंगे। यहाँ आके हम क्रिएट करेंगे स्केटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ वेरिएबल लेंगे हम डिपेंडेंट मोर्टेलिटी, एक्स वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ हम GDP ले लेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमें नेक्स्ट अगेन लाइन ड्रॉ करने के लिए सेम जाएंगे, नेक्स्ट अगेन क्रिएट करेंगे और यहाँ फिट प्लॉट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आके आपको क्लिक करना है। लीनियर प्रिडिक्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगेन हम मॉर्टेलिटी लेंगे यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और GTP लेंगे एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ओके पे आके क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारा जो रिजल्ट आ रहा है डेट मीन्स के हमारी जो वेरिएबल की नॉर्मेलिटी है लीनियरिटी है सॉरी वो पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं एग्जिस्टेंस से। थर्ड वन अजम्पशन जो है हमारा नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ हिस्टोग्राम पे क्लिक करेंगे। हिस्टोग्राम पे आके आपको कोई सा भी एक वेरिएबल ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ GDP ले लिया है और यहाँ आके हम फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करेंगे, डेंसिटी प्लॉट्स करेंगे।